हाँ जी, स्वागत है छेवीं क्लास के विद्यार्थियों का इस लैक्चर के। इस लैक्चर के अज आप एक्सरसाइज 3.3 करांगे सॉल्व, सिक्स्थ क्लास की एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज को करने तो पहला आपां नूं कुछ पहला डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने पैणगे, भाग योगता के नियम। तो पहला उस स्टडी करते हैं आपां। तो हाँ, सब तो पहला आपां करांगे दो दा भाग योगता का नियम, मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो इस दे विच की हुंदा, दो दे डिविजिबिलिटी रूल दे विच आपां ने सिर्फ किसी भी बड़ी तो बड़ी संख्या का, कोई भी संख्या का सिर्फ आपां ने इकाई अंक देखना हुंदा। मतलब कि आपां ने सिर्फ जिहड़ा वंस प्लेस हुंदा, मतलब कि यूनिट प्लेस हुंदा, उहनूं ही देखना हुंदा है। देखो जी किवें, मान लो एक थोनों एक संख्या देती, कोई भी संख्या सू देती, मतलब कि मान लो बड़ी तो बड़ी संख्या देती, 6, 4, 8, 5, 7 कुछ भी मूहरे कुछ भी हो गए, तो लास्ट विच की आ गया 6 आ गया। तो आपने सिर्फ यदा लास्ट अंक देखना, लास्ट अंक कोई भी मर्जी नंबर है, जिमें 5, 4 कुछ भी नंबर तुम लिख लो, तो आप सिर्फ यदा लास्ट अंक देखा। हम उरे लास्ट अंक की देखना है, आपने 8 देखना है। तो मतलब कि हुण देखो, तुसी चेक करो कि जिहड़ा 6 है, जिहड़ा 6 है यह दो दे डिविजिबल हुंदा, ये दो दे टेबल ते आंदा। जेकर यह आंदा हैगा तां यह पूरे दा पूरा जिहड़ा नंबर है यह दो ते डिविजिबल होगा। ठीक है जी, इस तरीके नाल पूरे 8 भी की है दो ते डिवाइड हुंदा, तां पूरे दा पूरा नंबर भी दो ते डिविजिबल होगा, दो ते भाग हो जूए संख्या। हुण जिवें पिछे मान लो 5 आ गया, मूहरे कोई होर नंबर है कुछ भी है, तो यह जी संख्या होगी ये दो दे टेबल ते दो दे पहाड़े ते भाग नहीं होगी, तो यह दो ते डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये पिछे की हैगा 5 है। मतलब कि जिदे पिछे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्यावां आ जाण सारियां, तो वह सारिया संख्यावां दो ते डिविजिबल होणगियां। तो इस तो बाद देखते आप 4 का भाग योगता नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। सेकेंड पार्ट, डिविजिबिलिटी भाग योगता नियम ऑफ 4। हुण 4 दा, तां 4 वास्ते कि मैं चैक करा कि मैं सानूं एक संख्या लिखती उरे 112। हुण की आपां बिना कॉपी पेन चक्के इहनूं भी दस सकदे कि इह 4 ते भाग होगी इह संख्या? हाँ जी बिल्कुल, आपां इहनूं किवें दसांगे, आपां ने सिर्फ इह लास्ट वाले दो अंक दिख रहे ने, जी तो यह 4 ते भाग होंगे ने, तो संख्या भी 4 ते भाग होगी। हुण इहदे लास्ट विच की है 12, बेटा 12 उह 4 ते भाग हुंदा, तो यह संख्या जिहड़ी हैगी है भी 4 ते भाग होगी। तो इस तो बाद मान लो अपने कोल एक एग्जाम्पल आप होर लैंदे आ, उहदे आपां एक एग्जाम्पल लै ली कि यह संख्या 4 ते भाग होगी। हुण आपां इहदे बारे आपां गल करनी है। हाँ जी देखो, इस संख्या नूं भी आपां 4 ते भाग कर सकते, क्यों? ये लास्ट वाले दो अंक देखो कि 44, जे आप 44 4 के भाग करा तो कि आजगा 11 आ जाऊ। जे लास्ट दो अंक चैक कर लो 4 के भाग करके, जे तो यह 4 के भाग होंगे ने, तो यह जी पूरी संख्या है ये भी 4 के भाग होगी। तो इस तरीके आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप चैक कर सकते। नैक्सट की है अपने को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ऑफ 8 हुण आपां 8 दा चैक करांगे डिविजिबिलिटी रूल। 8 वास्ते आपां ने हुण जिवें आपां कोई संख्या लिख ली, आ कोई संख्या लिख ली आपां ने, इहदा आपां डिविजिबिलिटी रूल चैक करना हैगा। तां इहदे वास्ते आपां ने जिहड़े लास्ट 3 अंक ने इही चैक करदे ने सिर्फ। तां हुण आपां 512 नूं चैक करांगे 8 नाल भाग करन ते, कि जे तां इह 8 ते भाग हो गया तां इह की है डिविजिबल होगा पूरा दा पूरा नंबर 8 ते। पहला आप 8 ते चैक करदे आ, 8 6 48, 51 4 48 घटाए किन्ने आ गए 3, उपरों आ गया 2, 8 6 32, तां इह पूरा पूरा कट जूगा। तां मतलब कि जिहड़ा लास्ट वाले 3 अंक ने 512 जिहड़ा इह 8 ते भाग हो जांदा, तां जिहड़ी पूरी पूरी संख्या इह इह वी 8 ते भाग होगी। ठीक है जी, तां हुण आपां एक एग्जाम्पल होर लैके चलदे आ। मान लो एक आ तुहाडे कोल संख्या दे रखी है कि यह 8 ते भाग होगी, आप सिर्फ यहाँ लास्ट अंक चैक करना है, लास्ट विच की है 200,
जे 208 ਦੇ ਭਾਗ हो गया तो यह संख्या भी 8 ਦੇ ਭਾਗ हो जूगी। तो आप चैक कर दें 8 दूनी 16 बीच 16 घटावा कि आजगा 4 उपरों 0 उतार लाँगे आप हूँ 8 5 की आजगा 40 8 5 40 तो यह कैंसल हो जूगा। तो हूँ यह भी संख्या 8 ਦੇ ਭਾਗ होगी तो यह भी संख्या 8 ਦੇ ਭਾਗ हो रही है। डिविजिबिलिटी रूल 8 ਦੇ ਹੈ ठीक है जी। तो इस तरीके आप डिविजिबिलिटी आप चैक कर सकते हैं किदी किदी 2 4 ते 8 की हजे तक आपने आई किते ने 2 4 8 बारे 2 4 8 दे विच आपने सिर्फ की फर्क है ये आप कल्ला लास्ट अंक देखना है ये लास्ट वाले 2 अंक ये लास्ट वाले 3 अंक। तो इस तरीके 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होंगे है। तो नैक्सट देखा आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9 तो उ हैडिंग दें अगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9 तीन ते नौ दे भाग योगता दे नियम ठीक है जी। तो हुण कोई आप संख्या लिखते हैं जिमें 521 आपने कोई संख्या लिख ली ठीक है जी। आप दो तीन संख्याव चैक कर दें आप एक आप संख्या लिख ली 1 2 3 एक आप लिख ली 113 113 हूँ आप चैक करेंगे कि ये संख्याव तीन के भाग हो गए पहले आप तीन से चैक कर देंगे। तो आपने की करना इन्हों अंकों आपस के जोड़ देना 5 + 2 + 1 यह आजगा 5 + 2 = 7 + 1 = 8 ठीक है जी। हुण आपां चैक करांगे कि जिहड़ी 8 है जो आप इहदे अंकां नूं जोड़ता 8 आंसर आ गया कि जिहड़ा 8 है वह 3 ते भाग होगा। हाँ जी हुण देखो 8 जिहड़ा हैगा 3 दे टेबल ते नहीं आंदा तो इस करके जिहड़ा 521 है यह 3 ते डिविजिबल नहीं हैगा इहनूं दसांगे ये ठीक है जी। मतलब कि 521 3 ते भाग योग नहीं हुंदा। तो नैक्सट देखते हैं जी आप इस तों बाद हैगा 123 इहदे विच पहले आप इहदे अंक जोड़दे हां 1 + 2 + 3 ये आजगा 2 + 1 = 3 + 3 = 6 तो 6 आ गया। जोड़ा 6 है ये 3 से डिवाइड होंगे तो इस करके जोड़ा नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप इनू कह देंगे कि यह 123 3 से डिविजिबल है। नैक्सट है अपने को 113 तो ये वास्ते पहला आप अंकों ऐड कर दें 1 + 1 = 2 & 3 = 5 टोटल 5 बन गया। तो यह 3 से डिवाइड नहीं होंगे तो जी ये संख्या 113 ये 3 से डिवाइड नहीं होंगी। तो आप इस तरीके 3 का डिविजिबिलिटी रूल चैक कर सकते हैं। सेम जो यही रूल है ये 9 से भी अप्लाई होंगे मतलब जे उन्होंने सम 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी कि होंगी है वह 9 से डिविजिबल होंगी है। हूँ जिम्मे 521 आ गया यह 8 से डिवाइड हो यद अंक का सम कि है 8 तो यह 9 से डिवाइड नहीं होगी। 123 यदा कि आया 6 भी 9 से भाग नहीं होंगे तो यह भी डिविजिबल नहीं है। उरे आया सी 5 ये भी 9 से भाग नहीं होंगे ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। एक आप एग्जाम्पल लैके चलते हैं जिड़ी कि 9 से डिविजिबल होगी। तो एक आप एग्जाम्पल ले ली 117 तो एक आप होर एग्जाम्पल लेंगे 199 दो एग्जाम्पल आपने देखिया। तो हम पहली देख आप देखा 1 + 1 + 7 यह बन जूगा 9 तो यह हम आप चैक करा 3 से डिविजिबल है। हाँ जी देखो 3 के टेबल से 9 आंदा तो यह 3 से भी डिविजिबल है तो 9 के टेबल से 9 भी आंदा 9 से भी डिविजिबल है तो यह दोहां से डिविजिबल होगी। तो अगे कि संख्या आपकी इस तुम आप संख्या ली सी 189 ये आप अंकों ऐड कर दें 1 + 8 = 9 9 9 18 18 आ गया। तो हूँ 3 के टेबल से 18 भी आंदा 3 से डिविजिबल होगी 9 के टेबल से भी 18 तो यह 9 तो भी डिविजिबल होगी। तो इस तरीके जो डिविजिबिलिटी रूल है 3 and 9 का इस तरीके आप चैक कर सकते हैं। नैक्सट देखो जी डिविजिबिलिटी रूल हूँ आप अगर देखा जो डिविजिबिलिटी रूल ने हम देखा जी आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 5 का डिविजिबिलिटी का रूल की है।
ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀਰੋ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰਸ ਫਾਈਵ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 2, 5, 6, 8, 7, 5, 7 ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪੰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਉਰੇ ਪੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ 'ਤੇ ਭਾਗ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 5 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 6 ਦਾ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 6 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈ 3, 1, 6, 9, 5, 8, 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 6 ਦਾ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ 6 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ 2 ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ 3 ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਅਤੇ 3 ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਦਾ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਇਹ 2×3 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੈ 3 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ 6 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 3 ਹੈ ਕੀ ਇਹ 2 'ਤੇ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲਸ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ 2 'ਤੇ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 6 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਹੈ 3, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 6 'ਤੇ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 2 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 3 'ਤੇ ਜੇ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 6 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 'ਤੇ 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 'ਤੇ ਡਿਵੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ 3 'ਤੇ 6 9 9 'ਤੇ 1 10 10 'ਤੇ 2 12 12 5 17 17 'ਤੇ 1 18 18 4 22 22 'ਤੇ 2 24 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24 ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਜਿਟਸ ਇਜ਼ 24 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 24 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਜੇ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 6 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ 6 ਦਾ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਦਾ 3 ਦਾ 4 ਦਾ 6 ਦਾ 5 ਦਾ ਅਤੇ 9 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।